अब आप अगर देखें तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को कि अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते। आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा, उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। तो देखिए, आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आपने देखे होंगे इतने सारे जो वीडियो वायरल हुए हैं, प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं, आप सोचिए बहने, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है, उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है, और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर वन हो गया है। तो देखिए, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो पलायन तो होगा ही ना। ये देखकर इतना दुख होता है कि ऐसे बड़े बड़े शहीदों की धरती पर यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं रोजगार लेने के लिए, और यहाँ पर रोजगार आपके लिए पैदा नहीं कर रहे। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने, सिर्फ लूट में व्यस्त रहे हैं ये लोग। जिस तरफ आप देखें वहां घोटाला ही घोटाला, और जब चुनाव आता है आपका ध्यान भटकाया जाता है, धर्म की बातें हो जाती हैं और इधर उधर की बातें होती हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े होते हैं। तो बहनों, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इधर उधर की बातों से सिर्फ आपका ध्यान भटकाया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर महंगाई कैसे कम होगी, आपके लिए रोजगार कैसे बनेगा, आपकी संस्कृति का बचाव कैसे होगा, और आप यहां पर विकास कैसे आएगा ताकि आप यहां पे आगे बढ़ पाएंगे।